जिंदाबाद, जय राम माता, जिंदाबाद, 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 टाइगर जय राम, जय राम, जिंदाबाद, टाइगर जय राम माता, जिंदाबाद, 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 टाइगर जय राम माता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड लक्ष्मणपुर मदेडी सहित विभिन्न गांव में गिरिडीह लोकसभा सांसद सह प्रत्याशी सीपी चौधरी और उनके प्रतिनिधियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना इस बार के चुनाव प्रचार जनसंपर्क में करना पड़ रहा है। इसे लेकर कई वीडियो भी वायरल हो रहा है। जनसंपर्क अभियान में पहुंची सांसद प्रत्याशी सीपी चौधरी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के पक्ष में ग्रामीणों ने नारे लगा विरोध जताया, जबकि लक्ष्मणपुर गाँव में सीपी चौधरी जनसंपर्क अभियान के तहत जब पहुंचे तो गांव के ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी गांव नहीं आए। गांव में पीने के पानी की घोर समस्या है। सांसद प्रत्याशी के पिछले कार्यकाल को लेकर नाराजगी व्यक्त सीपी चौधरी के सामने किया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें फोटो पोस्टर में ही 5 साल से देखे हैं। वहीं गांव के अन्य ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सीपी चौधरी सांसद कलकत्ता में है या दिल्ली पता नहीं, कभी देखे नहीं है। गांव का कोई विकास नहीं हुआ। चुनाव के समय सभी पार्टी के लोग वोट मांगने आते हैं। जनसंपर्क में पहुंचे सीपी चौधरी ने कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र का विकास वह किए हैं। लोगों ने जब भी उन्हें बुलाया वह जरूर आए हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विकास कार्य की योजना को धरातल में उतारने का काम राज्य सरकार की है, लेकिन राज्य सरकार घोटाला करने में व्यस्त है, जिसका प्रमाण है मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर से करोड़ों रुपए मिलना। कौन सा आलम था वह तो वही बता पाएंगे। सच तो रहा, कहां दिल्ली में बैठा कि कलकत्ता में बैठा, कहां बैठा वो जाने, लेकिन वो फिर दर्शन नहीं हुआ चौधरी से, दर्शन ही नहीं हुआ। हुआ है तो दूसरा दूसरा जगह हुआ होगा। हम लोग के यहाँ तो ऐसे लोग बोलता है जंगल एरिया में कम कुछ हो घूमने कोई अभी नहीं करते हैं। और वोट के समय अभी जैसे आप लोग आए हैं ना, उसी तरह फिर लोग आएंगे, इसमें दो उसमें दो, ये होगा वो होगा, इस तरह का बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ तो देखिए जनसंपर्क अभियान है और सभी जगहों पर सभी गांव में सभी पंचायत में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को मतदाताओं को अपने कार्यों के बारे में, भारत सरकार के कार्यों के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के बारे में जो हमारी उपलब्धि है उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना, साथ साथ जो अधूरे कार्य हैं उन सारे कार्यों के बारे में भी जानकारी लेना और जो उपलब्धि हमारा साथ साथ ही चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है उसके लिए लोगों को आग्रह करना और भारत सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देना। किताब में ऐसे नहीं लिखा जाता, जो होता है वही लिखा जाता है। जिनको चैलेंज करना मैं लिख के दिया हूँ, जिनको काम हुआ है कि नहीं हुआ, जिनको उसमें यदि जरा सा भी गलत है तो हमें चुनौती दे सकते हैं। और जो ज़मीनी हकीकत है वो चीज़ उसमें दर्शाया गया। विकास का काम करना मैं सभी जगहों पर गया हूँ, जहाँ भी लोग बुलाए गए हैं, यहाँ भी अभी 500 लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं तो वो इस बात को बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ भी लोग हैं चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम जब भी हो, लोगों ने बुलाया है, मैं उपस्थित हुआ। पहले कहा कि कार्य एजेंसी राज्य सरकार है, फंड की कोई कमी नहीं, भारत सरकार के द्वारा पूरा पैसा दिया गया, सड़कों के लिए पूरा पैसा दिया गया, लेकिन राज्य सरकार जो घोटाला किया, जो आप देख रहे हैं आलमगीर आलम के यहाँ कौन सा आलम हुआ है तो बताइए, कौन सा पेड़ से बरसात हुआ है तो खुद वही बताएंगे।